Hello everyone, welcome to my channel Easy Learning. In this video, we can study the second part of this chapter, The Selfish Giant. और अगर आपने first part नहीं देखा है तो वो मेरे chapter पे available है, आप देख लीजिए. हम इसके points देख लेते हैं पहले कि हमें क्या पढ़ना है इसमें. First, to celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. बच्चे अब इस part में बच्चे वापस उस garden में आ गए हैं तो इस खुशी को ट्रीज ने कैसे सेलिब्रेट किया है, अपने आप को बर्ड्स और ब्लॉसम्स के कवर्ड कर. सेकंड पॉइंट, द जायंट वाज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, स्पेशली अ लिटिल बॉय हुम ही लव्ड डियरली. जायंट भी अपने दोस्तों को देख के इतना खुश है और स्पेशली वो जो एक छोटा सा लड़का जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है. द लिटिल बॉय सून डिसअपीयर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर. जो छोटा सा वो बच्चा है वो जब आया फिर वो बहुत जल्दी गायब हो गया वहाँ से और फिर वो बहुत टाइम बाद दोबारा दिखा. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो इसे एक बहुत सुंदर सा सीन दिखता है जो उसने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की थी उसमें से एक छोटे से होल में से बच्चे अंदर आ रहे थे. ये जो पिक्चर में एक छोटा सा ये होल दिख रहा है ना, इसमें से बच्चे अंदर आ गए थे और पेड़ों की ब्रांचेस पर जाकर बैठ गए थे. In every tree that he could see there was a little child and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. वो जो भी ट्री पे देखता हर वही कहीं ना कहीं पे हर ट्री पे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था. And they were so glad. वो इतना खुश थे, जो ट्रीज थे वो अब इतने खुश थे कि बच्चे वापस आ गए हैं, इसलिए उन लोगों ने अपने आप को फिर से उन फूलों पत्तियों से कवर कर लिया और उनकी जो ब्रांचेज है वो ऐसा लग रहा था कि वो बच्चों को सहला रहे हैं, उनका सिर सहला रहे हैं. द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड द ट्विटरिंग विद डिलाइट एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. अब जो चिड़िया हैं वो भी उसके गार्डन के ऊपर उड़ने लग गई खुशी से क्योंकि बच्चे वापस आ गए थे. फ्लावर्स भी फिर से ग्रास में से निकल देखा जब ग्रास में से फ्लावर्स ने तो वो भी निकलने लग गए और खुश हो रहे थे. इट वॉज़ अ लवली सीन. वो एक बहुत प्यारा सीन था. ओनली इन वन कॉर्नर, इट वॉज स्टिल विंटर. It was the farthest corner of the garden and in it was standing a little boy. पूरी garden में तो अब spring आ गया था लेकिन सिर्फ एक corner था जो garden में बहुत दूर की तरफ था, उसमें अभी भी winter ही आया हुआ था. उसके नीचे एक बच्चा खड़ा हुआ था छोटा सा. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree and he was bending all round it crying bitterly. अब क्या है, वो बच्चा इतना छोटा था जिसकी वजह से वो ट्रीज़ की ब्रांचेस पे नहीं चढ़ पा रहा था और उसी के आसपास घूम रहा था और धीरे धीरे रोना शुरू कर दिया उसने. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोअरिंग अबव इट. अब जो बेचारा ट्री था उसके ऊपर कोई बच्चा नहीं आया था तो इसलिए वो अभी भी फ्रॉस्ट और स्नो से कवर था. नॉर्थ विंड अभी भी उसके ऊपर बह रही थी और रोअरिंग अबव इट, उसमें वो जो हवा थी नॉर्थ विंड की वो अभी भी आ रही थी. Climb up, little boy, and the said the tree, and it went its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. अब पेड़ ने बच्चे से कहा कि ऊपर चढ़ो मेरे ऊपर और उसने जितनी हो सकती थी उसने अपनी ब्रांचेस को नीचे किया लेकिन वो बच्चा इतना छोटा था कि वो नहीं चढ़ पा रहा था. And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. अब giant का heart उस बच्चे को देख के पिघलने लगा, उसका दिल पिघल गया. बोला वो खुद से बोला कि मैं कितना सेल्फिश हो गया था, अब मुझे पता चला कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही थी. आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर. ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन. अब क्या हुआ, उस जाइंट ने उस छोटे से बच्चे को ट्री के टॉप पर चढ़ा दिया. उसने सोचा कि मैं चढ़ा दूंगा उसे और जो मैंने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की हैं उन सबको मैं हटा दूंगा और ये प्लेग्राउंड अब बच्चों का ही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए. वो अपनी इस हरकत पे बहुत ही शर्मिंदा था कि उसने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी और बच्चों को अंदर आने नहीं दिया. सो ही क्रैप्ड डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन. अब वो धीरे धीरे से उसने अपना डोर खोला फ्रंट डोर और नीचे स्टेयर्स पे उतरने लगा और गार्डन की तरफ जाने लगा. बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन. बच्चे हैं उसे देखकर इतना डर गए
डर के इधर उधर भागने लगे और उस गार्डन में से चले गए, जिससे वहाँ पे विंटर दोबारा आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट्स कमिंग। अब क्या हुआ, सिर्फ वो बच्चा ही बचा हुआ था छोटा सा, क्योंकि उसकी वो इतना रो रहा था कि उसकी आंखें पूरी आंसुओं से भरी हुई थी, जिसकी वजह से उसने जायंट को आते हुए नहीं देखा था। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री। जायंट उसके पीछे चोरी से आ गया और उसे धीरे से उसने अपने हाथों में उठाया और ट्री के ऊपर रख दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम एंड द वर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड द जायंट्स नेक एंड किस्ड हिम। अब क्या हुआ, वो बच्चा वहाँ बैठ गया था, तो ट्री जो है वो फिर से ट्री के ऊपर फूल आ गए, चिड़िया आने लगी, वहाँ गाने लग गए, और जो छोटा बच्चा था उसने अपनी छोटी छोटी हाथों से उस जाइंट को पकड़ा, उसके गले को पकड़ा और उसको किस किया। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जाइंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर केम रनिंग बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग। जब बाकी बच्चों ने देखा कि अब जाइंट गुस्सा नहीं कर रहा है, तो उसने क्या, उन लोगों ने भी, वो लोग वापस वहीं गार्डन में आ गए और अब बच्चों के आने से स्प्रिंग भी वापस आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, सेड द जाइंट। अब जाइंट ने कहा कि तुम्हारा गार्डन है बच्चों। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल। उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और उस अपनी जो दीवारें खड़ी की थी उन सबको तोड़ दिया। And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. अब क्या था, जब 12 बजे लोग अपने मार्केट में जाते थे, तो उन्होंने देखा कि जाइंट जो है वो बच्चों के साथ खेल रहा है, वो भी इतने सुंदर गार्डन में जो उनने पहले कभी नहीं देखा था। All day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. पूरे दिन वो बच्चे उसी गार्डन में खेलते थे और शाम को जाइंट को goodbye बोलकर चले जाते थे। But where is your little companion? He said. The boy I put into the tree. The giant loved him the best because he had kissed him. अब जाइंट उन बच्चों से पूछता है कि वो छोटा बच्चा कहाँ है जिसको मैंने पेड़ पे चढ़ाया था, क्योंकि जाइंट उस बच्चे से बहुत प्यार करने लगा था क्योंकि उसने उसे किस किया था। We don't know, answered the children. He has gone away. बच्चों ने कहा कि हम नहीं जानते, लगता है वो चला गया। You must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant. अब उस जाइंट ने बच्चों से कहा कि तुम उससे कहना कि कल वो ज़रूर यहाँ आए। बट द चिल्ड्रन सैड डैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड। अब बच्चों ने कहा कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, हमने तो उसे कभी पहले देखा ही नहीं। और जाइंट ये सुन के उसे बहुत दुख हुआ। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट। हर दोपहर को जब बच्चे स्कूल ख़त्म हो जाता था, तो उस गार्डन में आके उस जाइंट के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय हुम द जाइंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन। लेकिन जो छोटा बच्चा जिसको जाइंट सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वो वापस नहीं आया। द जाइंट वाज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, येट ही लॉन्ग फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक हिम। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज टू से। जो जाइंट था वो बच्चों के लिए बहुत ही काइंड हो गया था। येट ही लॉन्ग फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, लेकिन वो अपने उस छोटे से दोस्त का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करता था और उसके बारे में बात करता रहता था कि मैं अब उससे कैसे मिल पाऊँगा, कोई मुझे बताए कि मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ। ईयर्स वेंट बाय एंड द जाइंट्स ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीवर। ऐसे ही साल बढ़ते चले गए और जाइंट जो है वो बूढ़ा और फीवर थोड़ा उसके चेहरे खराब झुर्रिया बूढ़ा होने लगा। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर हिज गार्डन। अब क्या हुआ, वो बूढ़ा हो गया था इसलिए वो बच्चों के साथ खेल नहीं पाता था, लेकिन हाँ वो क्या करता था, अपनी घर के बाहर बैठकर एक आम चेयर पे बड़ी सी उस पर बैठ कर अपने गार्डन को देखता था और अपने जो बच्चे खेल रहे होते थे उनको देखता था। आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, ही सेड, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। वो कहता है मेरे गार्डन में बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा सुंदर फ्लावर हैं इन सबसे। One winter morning he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. एक दिन विंटर चल रहा था उसकी सुबह को, जब वो अपनी विंडो से बाहर देखकर अपने आप को ड्रेसिंग कर रहा था, तब अब उसे जो है वो विंटर जो है उसे हेट नहीं लगता था, उसे अब सही लगता था विंटर। वो उसने कहा कि अब जो है स्प्रिंग का सोने का समय आ गया है और फ्लावर्स भी रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए विंटर आ गया है।
तब उसे विंटर बुरा नहीं लगता था। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट। इन द फादर्स कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स। क्या हुआ, सडनली वो अपनी आंखों को रब करके देखता है कि वो देखता है, दो बार उसने ऐसे कर करके देखा कि क्या है, वो कितना सुंदर साइट था, मतलब सीन था बाहर कि जो वो वही दूर का जो कॉर्नर था गार्डन का, उसमें जो ट्री है वो ब्लॉसम से भरा हुआ था, वाइट ब्लॉसम से भरा हुआ था। इट्स ब्रांचेज वर गोल्डन एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम दैम एंड अंडरनीथ इट इज़ टू द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड। और उसी ट्री की जो ब्रांचेज हैं वो गोल्डन कलर की हैं और जो उस पर सिल्वर कलर के फ्रूट टंगे हुए हैं, एंड अंडरनीथ इट्स द, और उसी के नीचे वो छोटा सा बच्चा जो जिसका वो हमेशा वेट करता रहता था वो वहाँ खड़ा हुआ था, जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। नेक्स्ट, डाउन स्टेयर्स रन द जायंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इन टू द गार्डन। जो जायंट है वो जल्दी से नीचे भागते हुए आया सीढ़ियों से गार्डन की तरफ आने के लिए। ही हैस्टेंड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर एंड ही सेड हू हैड डेयर टू बाउंड थी। अब क्या हुआ, वो घासों के ऊपर भागते हुए रेंगते हुए वहाँ से उस बच्चे के पास आया और उसने धीरे से उसके फेस को देखा, सॉरी उसके फेस के पास आ गया वो धीरे से। उसका फेस जो है अब वो बिल्कुल गुस्से में लाल हो गया था। उसने कहा कि तुम्हें किसने चोट पहुँचाने की हिम्मत की। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट। जो बच्चा है उसके हाथों पे दो नाखून के निशान लगे हुए थे और दो निशान उसके पैरों पे लगे हुए थे। हु हैड डेयर टू बाउंड थी, क्राइड द जायंट। जायंट ने चीखते हुए कहा कि तुम्हें किसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मुझे बताओ। टेल मी डेट आई मे टेक माई बिग सॉर्ड एंड स्ले हिम, कि मैं उसको अपनी बड़ी सी तलवार से उसको काट दूंगा। तो वो बच्चा कहता है नहीं, आंसर द चाइल्ड, बट दीज आर द बाउंड्स ऑफ लव। वो कहता है नहीं, ये तो प्यार की निशानी है, प्यार की चोटें हैं। हु आर थो, सेड द जायंट, ये क्या कह रहे हो। एंड अ स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन टूडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज। तो अब जो स्ट्रेंज जो वो बच्चा था उसके सामने वो लेट गया और चाइल्ड को देखता रहा और चाइल्ड उससे कहता है जायंट से चाइल्ड जायंट से कहता है कि अब मैं तो तुम्हारे गार्डन में बहुत खेल चुका, अब तुम मेरे सबसे सुंदर गार्डन में चलो जो एक स्वर्ग की तरह है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स। अब जब दोपहर को बच्चे वहाँ खेलने आते हैं तो वो देखते हैं कि जायंट मर चुका है, उसी ट्री के नीचे लेटा हुआ है ऑल कवर्ड, और उसके ऊपर वो वाइट ब्लॉसम्स गिरे हुए हैं। तो मेनली जो बच्चा था वो क्या था, वो एक मतलब भगवान का फरिश्ता कह सकते हैं कि वो फरिश्ता था जो जायंट को अपने साथ ले गया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको चैप्टर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, जिससे कि मैं जल्दी जल्दी और आपके लिए चैप्टर की वीडियोज़ बना पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।